मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल याचिका पर सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। सोमवार 28 सितंबर को यह याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से तारीख आगे बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने मथुरा कोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका श्री कृष्ण विराजमान पक्ष की ओर से दाखिल की गई है। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को मथुरा स्थित पूरी भूमि को खाली कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान मथुरा में कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। कटरा केशव देव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर खड़ा मंदिर 1659 से 1670 में ध्वस्त कर दिया गया था। मौजूदा ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर बनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व श्री कृष्ण विराजमान को हस्तांतरित करने की अपील की है। 5 दशक पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने इस बात पर सहमति जताई थी कि मस्जिद विवादित भूमि पर रहेगी। इस समझौते को अवैध करार देते हुए मस्जिद हटाने की मांग की गई है। अगस्त में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन कर इसके मुक्त कराने की दिशा में प्रयास तेज किया गया। 14 राज्यों में 80 संतों ने साथ आकर इस अभियान के लिए एकता जताई थी, जिनमें 11 वृंदावन के संत थे। हालांकि इस्लामी आक्रांताओं द्वारा किए गए ऐसे अतिक्रमण की राह में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की बाधा है। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर यथास्थित बरकरार रखी गई है। जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तो पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पारित किया गया था। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 कानून किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। सितंबर के पहले सप्ताह में ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में हुई बैठक की मांग की गई थी कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने के बाद काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को मुक्त कराने की ओर से प्रयास किए जाएं। काशी मथुरा को मुक्त कराने के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए अखाड़ा परिषद ने इस कार्य में विश्व हिंदू परिषद का भी सहयोग मांगा गया है।